दोस्तों आज की कहानी है ननद जी, आप हर समय सेल्फी लेने की आदत छोड़ दो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सासू माँ के आदेशानुसार सुषमा सुबह से ही किचन में कई तरह के पकवान बनाने में व्यस्त थी। तभी उसकी सासू माँ आती हैं और सुषमा से कहती हैं कि अगर रसोई का काम निपट गया है तो जल्दी से जाके गौरव, साहिल और आकांक्षा को जगा दे और बोल देना जल्दी से नहा धो के नीचे आ जाए, मुहूर्त को बस एक घंटा बाकी है। सुषमा सुबह 5 बजे से रसोई में व्यस्त थी और अभी 9:30 हो चुके थे। एक प्याला चाय का भी नहीं पी पाई थी। खैर जी माँ जी कहते हुए वो गौरव सुषमा के पति आकांक्षा अपनी छोटी ननद और देवर साहिल को जगाने चली जाती है। सुषमा जब नीचे आती है तो सासू माँ कहती है कि जब तक वो सब तैयार होकर नीचे आते हैं तब तक तू मुझे और अपने पिताजी को नाश्ता दे दे, हमारे दवाई का समय हो रहा है। सुषमा फिर फटाफट जाकर सास ससुर का नाश्ता निकाल कर लगा देती है। इसके बाद रसोइया समेटने लगती है। तभी सुषमा के भाई का फोन आ जाता है। फोन पे ही सुषमा उदास मन से अपने भाई को बधाई दे लेती। फिर सोचने लगती है कि काश आज मैं भी मायके होती, पर आकांक्षा की शादी पिछले साल ही हुई थी और शादी के बाद पहली बार राखी मनाने वो मायके आई थी। इसीलिए सासू माँ ने सुषमा को मायके जाने की इजाजत नहीं दी। पिछले साल भी आकांक्षा की शादी की वजह से रक्षाबंधन पर मायके जा नहीं पाई थी। इस बार उसने सोचा लिया था कि पहले ही चली जाएगी और खूब माँ और पूरे परिवार के साथ वक्त बिताएगी। और जैसे रक्षाबंधन नजदीक आता है सुषमा गौरव से कहती है कि वह 10 दिनों के लिए के मायके जाना चाहती है। गौरव कहते हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर तुम माँ से जरूर पूछ लेना। सुषमा अपनी सासू माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ जी राखी आने वाली है, इसलिए मैं राखी पर मायके जाना चाहती हूँ। सबके साथ राखी मनाकर कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी, पर सुषमा की सासू माँ ये कहते हुए मना कर देती है कि अरे आकांक्षा कि ये पहली राखी है, तुम नहीं रहोगी तो कैसे होगा, तुम्हारा रहना तो बहुत जरूरी है, तुम राखी के बाद चले जाना। सुषमा कुछ नहीं कह पाती, बस चुप रह जाती है। तब तक गौरव साहिल तैयार होके नीचे आ जाते हैं। तभी सुषमा की निंद्रा टूट जाती है। गौरव नीचे आकर ससुर जी के पास बैठकर पेपर पढ़ने लगते हैं और साहिल टीवी ऑन करके बैठ जाता है, पर आकांक्षा अभी तैयार होती रहती है। सुषमा सोचती है कि रसोईया तो सब समेट ली है और आकांक्षा को आने में अभी टाइम है, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ।
फिर सुषमा भी जल्दी से तैयार होकर आ जाती है। सब लोग हॉल में बैठकर आकांक्षा का इंतजार करते रहते हैं। आकांक्षा अपने बाल स्ट्रेस करने में लगी हुई थी। सुषमा भी बैठी रहती है, उसे भूख भी लगी रहती है। सुषमा सोचती रहती है कि ये कैसा रक्षाबंधन है। सुबह से मैं सारा काम करती जा रही हूँ और जिसकी राखी है वो आराम से सोकर उठ रही है और घंटों तैयार होने में लगा रही है। भूखी प्यासी मैं क्यों बैठी हूँ, आखिर मेरा क्या लेना देना इस रक्षाबंधन से। सुषमा का मन ऐसे ही उदास था, थकान की वजह से नींद भी आ रही थी। सुबह 4:30 बजे का वो जगी थी, पर बेसारी सुप साप बैठी रहती है। तभी सुषमा की सासू माँ आकांक्षा को आवाज देते हुए बुलाती है कि जल्दी आए वो। तभी आकांक्षा कहती है कि अरे माँ, मुझे अच्छे से तैयार होने दो, मैं अपनी फोटो ससुराल वालों को भेजूंगी तो लोग क्या कहेंगे कि मैं अच्छे से तैयार भी नहीं हुई हूँ और मैं समय से तैयार हो जाऊंगी। पहले तुम भाभी से बोलो कि वो पूजा की थाली तो तैयार कर ले, मैं तो तैयार हो जाऊंगी। भाभी ही देर कर रही है, देखो अब तक उन्होंने राखी की थाली भी तैयार नहीं की है। भाभी से क्यों नहीं कुछ कहती। सुषमा को ये सब सुन के गुस्सा आता है, ये कैसी राखी है जो पूजा की थाली भी मैं ही तैयार करूं, सारे पकवान भी मैं ही बनाऊं, तो इसमें बहन का क्या योगदान है, ये कैसी भाई के प्रति बहन की राखी है। सुषमा बिना मन के पूजा की थाली तैयार कर देती है। तब तक आकांक्षा नीचे आ जाती है। आकांक्षा पूरे टाइम सेल्फी लेने में व्यस्त रहती है, कभी पूजा की थाली की फोटो लेने में तो कभी घर की साज सज्जा की फोटो लेने में। तरह तरह के पकवान डाइनिंग टेबल पर जो रखे हुए थे उनकी फोटो लेने व्यस्त रहती है। ये सब देख सुषमा के साथ साथ सबको गुस्सा आता रहता है। तभी सुषमा की सासू माँ कहती है कि आकांक्षा जल्दी से भाइयों का तिलक करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। आकांक्षा सेल्फी लेते हुए ही गौरव और साहिल का तिलक करती है। फिर आकांक्षा साहिल को एक हाथ से ही राखी बांधने की कोशिश करती रहती है काफी देर से। ये सब देखकर सुषमा सोचती है कि आकांक्षा को अपने भाइयों से ज्यादा तो दिखावे की चिंता है। सुषमा को देखकर ये सब अच्छा नहीं लगता, तो आकांक्षा के हाथ से राखी लेकर सुषमा साहिल को राखी बांध देती है। फिर दूसरी राखी लेके गौरव को बांधने जाती है, पर रुक जाती है और कहती है कि गौरव को तुम बांधोगी या अभी भी सेल्फी लेना है। लेना है तो तुम लो सेल्फी, अच्छे से ले लो, मैं ही बांध देती हूँ। सब आश्चर्य से सुषमा को देखने लगते हैं। सुषमा की सासू माँ कहती है कि अरे सुषमा, ये तुमने क्या किया। सुषमा कहती है कि कुछ नहीं माँ जी, आकांक्षा को सेल्फी लेने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने सोचा कि राखी मैं ही बांध देती हूँ। आकांक्षा फिर अपना फोन रख के सुपसाप गौरव को अच्छे से राखी बांधती है। फिर दोनों भाई आकांक्षा का नेक देते हैं और फिर सुषमा साथ में सबकी सेल्फी लेती है। सुषमा मन ही मन मुस्कुराती है कि जब सारी मेहनत मेरी तो राखी भी मैं ही बांध लेती हूँ।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।